अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शौकत कियानी और आज मैं आपको विज़िट करूँगा DHA वैली इस्लामाबाद सेक्टर ब्लू बेलका में। आपको विज़िट कराता हूँ और आपको DHA वैली सेक्टर ब्लू बेलका ब्रिज भी दिखाता हूँ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर ब्लू बेल की मेन बुलेवार्ड के ऊपर और ये मेन बुलेवार्ड ब्रिज की तरफ जाती है। आप देख सकते हैं सेक्टर ब्लू बेल तकरीबन 80% मकम्मल डेवलप है। सामने जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है ये DHA फेज़ 6 का है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है और इधर करीब ही ब्रिज बन रहा है, वो भी आपको विज़िट कराऊंगा। इस वक्त हम ब्रिज के पास से गुज़र रहे हैं, कुछ हम आगे जाएंगे ब्लू बेल की इसी मेन बुलेवार्ड के ऊपर और वहाँ से जब हम वापस आते हैं तो मैं आपको ब्रिज का इलाका भी दिखाता हूँ। ब्रिज तकरीबन इस वक्त कंप्लीट हो चुका है और हम सेक्टर ब्लू बेल में मौजूद हैं इसकी मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो रिंग रिवर के साथ साथ है। रिंग रिवर के ऊपर ब्रिज भी बन रहा है, ऑलमोस्ट अब कम्प्लीट हो चुका है। इस जगह से लेफ्ट साइड के ऊपर ब्रिज बन रहा है जो मैं आपको कुछ ब्लू बेल का ये मेन बुलेवार्ड का आगे का इलाका दिखाता हूँ और वहाँ से वापस आके आपको मैं ब्रिज भी दिखाता हूँ। सेक्टर ब्लू बेल काफ़ी हाइट पे वाकया है, अच्छी लोकेशन पे है। DHA फेज़ 6 से जब आप एंटर होते हैं, जब आप हाईवे इस्लामाबाद से आते हैं एक्सप्रेसवे से तो DHA फेज़ 6 में आते हैं और सेक्टर B3 जो DHA फेज़ 6 का है यहाँ से आप एंटर होंगे DHA वैली में। अब यहाँ पे ब्रिज बन चुका है। इस वक्त हम वापस आ चुके हैं ब्रिज की जानब, हम इस वक्त आ रहे हैं। आपको मैं लेके चलता हूँ जहाँ पे ब्रिज इस वक्त तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। मेरे ख्याल में आने वाले 1-2 महीने तक ओपन हो जाएगा, कारपेट रोड यहाँ पे बन जाएगी। आप DHA वैली से DHA फेज़ 6 या DHA फेज़ 6 से अगर आप हाईवे इस्लामाबाद से आते हैं तो DHA फेज़ 6 में आएंगे और फिर यहाँ से इस ब्रिज को आप क्रॉस करके DHA वैली में आ जाएंगे। इस वक्त हम ब्रिज के ऊपर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं कि ब्रिज तकरीबन अब कंप्लीट हो चुका है। 1-2 माह तक मुमकिन है कि ये ओपन हो जाए, DHA वैली और DHA फेज़ 6 जो है कनेक्ट हो जाए आपस में, यहाँ पे कारपेट रोड बन जाए। 1-2 महीने तक आप देख सकते हैं ब्रिज ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है।